first blood. First blood. Got myself a couple chips, ay. Move so fast, I'ma hit you with a stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks, ay. No, I'll be selling out shows. See my name up in arenas, filling seats up by the roads, no. तो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि यार एकदम मस्त होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको जान के आप भाई एकदम पागल होने वाले हो। ऑटो एम बोट ट्रिक। इसके अंदर क्या होगा, जब आप अपने स्कोप को ओपन करके एक गोली चलाओगे तो आपका एम ऑटोमेटिक एनिमी के हेड के ऊपर जाएगा। जी हाँ गाइज, आपने एकदम सही सुना, उसको ऑटो हेड शॉट लगेगा। तो भाई ट्रिक काफ़ी ओवर पावर है एंड ये ट्रिक मेरे को वाइट एफएफ से पता चली है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। भाई एक न्यू ट्रिक है एंड बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपको अपनी गेम की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कंट्रोल्स में आना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट फायर बटन का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको ना ऑलवेज कर देना है, ठीक है। सो गाइज, इस ट्रिक में आप इस तरह से हेडशॉट मार सकते हो। इस तरह से हेडशॉट मारने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एम, आपको अपने एम को एनिमी के साइड में रखना है और आपके एम की पोजीशन एनिमी के हेड की हाइट पे होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है स्कोप, आपको अपने स्कोप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका स्कोप ओपन होगा उसी टाइम आपको थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि आपको लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी एक या दो गोली जैसे ही छूटती है उसी टाइम आपको फोर्थ स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि गाइज आपको अपने राइट हैंड के थंब से स्कोप को एनिमी के हेड की तरफ खींचना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने राइट हैंड के थंब से स्कोप को एनिमी के हेड की तरफ खींचो और लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करके रखोगे तो आपका जो स्कोप होगा, जो आपका एम होगा, वो ऑटोमेटिक एनिमी के हेड को ही पकड़ेगा। जी हाँ गाइज, उसको ऑटो हेडशॉट ही लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे ही एनिमी आया तो मैंने अपने एम को एनिमी के साइड में उसकी हेड की हाइट के बराबर रख लिया और अपने स्कोप को ओपन करके लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक किया। और जैसे ही मेरी एक दो गोलियाँ छूटी, तुरंत मैंने अपने राइट हैंड के थंब से स्कोप को एनिमी के हेड की तरफ खींच दिया, तो मेरा जो स्कोप था उसने ऑटोमेटिक एनिमी के हेड को पकड़ लिया और एनिमी को हेडशॉट लग गया। अब गाइज, मैं आपको इस ट्रिक के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो भाई, जब आप इस तरह से किसी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो बहुत बार क्या होगा, जो आपका स्कोप होगा वो एनिमी से दूर चला जाएगा, वो उसके हेड के ऊपर लॉक नहीं होगा, या फिर बहुत बार क्या होगा, जो आपका स्कोप होगा वो एनिमी की चेस्ट के ऊपर लॉक हो जाएगा। क्योंकि गाइज, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तभी आपको ये ट्रिक आएगी। शुरू शुरू में आपका एक भी शॉट नहीं लगेगा, मतलब कि हेडशॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस गाइज, यही था वीडियो में। एंड गाइज, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइज, इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। आज पहली बार बोल रहा हूं तो शेयर कर देना, पहले ही बोला है बट आप करते नहीं हो ना, इस वीडियो को तो कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।